गुड मॉर्निंग। थोड़ा गला मेरा भी ख़राब हो गया है, तो अभी हम ऐसा दिखाएंगे कि लक्की की मम्मी को ना हम अस्पताल छोड़ आएंगे, तो अभी देखो जब से इनका कमाया वो रिएक्शन छोड़ क्या। ही नहीं रहा। देखो एक टाइम था कि हमारे पास लेटता था, आज ऐसा टाइम है कि अपनी मम्मी को नहीं छोड़ा है, हमको जलन हो रही है, हमारे पास क्यों नहीं रुकता। अब हम आ गए हैं, अब तुम देखो क्या। चलो तुम्हें मम्मी को अस्पताल छोड़ा है, फिर तुम और हम फैल के पूरे बेड में लेटा जाए। चलो हटो, ला छोड़ा है, चलो छोड़ो। अरे देखा देखो करो करो, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी। क्या हाँ ये सिगार तुम पियो और एक हम पियेंगे। चलो चलो तुम ये इसको कोई जगह देना नहीं। चलो 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 चलो। अरे चलो तुम हटो हटो हटो। आज देखो भैया लक्की हमारे कितने खुश हैं, ये गिफ्ट भी पा गए हैं। लक्की ओए लक्की, मम्मी कहाँ है? कहाँ है मम्मी? कौन है? चलो नहीं तो तुम निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जाओ अस्पताल में। चलो चलो हमारे पास मत आओ। चलो इनकी मम्मी को भगाओ, चलो अस्पताल जाओ, चलो अस्पताल जाओ। नहीं चलो जाओ अस्पताल। क्या बाबू इतने दिन से तो वहां थी ना, तो वहीं जाए, यहाँ काम नहीं है, चलो अस्पताल। नहीं इनकी मम्मी भगाओ, हम भगाएंगे, यहाँ आके बैठी हमारे घर में। चलो हम लोग पीछे कमरे में चलेंगे लक्की, एसी चला के छोएंगे हम लोग। मम्मी को भगा, चलो चलो चलो। क्या चलो लक्की हमारा खुश हो गया है और आज बहुत खुश है। आज जब आए ना तो कविता लक्की को खाना खिला रही थी, अब मेरे तो हाथ जो है उसे पेन कर रहे हैं, तो कविता खिलाने लगी ना, तो नहीं ऐसे मेरे को देख लिया ना तो कैसे खाएगा, अगर से मुंडी करके नहीं खाया मेरे दर्द हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने तो उठा के खिलाया ना, फटाफट खा कर पूरी प्लेट साफ कर गया। ऐसे ना लक्की करता ना करता है। आके मैंने बोला लक्की तुमको मैं तो खा भी नहीं पा रही हूँ, आके मेरी गोद में लेट गया खुद से ऐसा सर रख के, फिर सो गया था थोड़ा थोड़ा उनसे हिलाया, फिर नीलेश आया तो इरिटेट करने लगे तब से, फिर उसके बाद तब से खिलौने से खेल रहे हैं वो। अब उसको भी थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि हाँ कुछ नॉर्मल है। हाँ चलो खाना खा ले, बनाते हैं खिचड़ी क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया था। खिचड़ी बन रही है भाई, गैस आने वाली है। बॉस ने बहुत मेरा केयर किया, बहुत सपोर्ट किया। फिर से बोलो। बोल रहे हैं कि बहुत तुमने मेरी केयर की। कविता बोल रही थी कि दीदी तुमको दादा के सुबह उठ के ना से पैर पढ़ने चाहिए, तुमको ये देवता जैसा आदमी मिला है, किसी को ऐसा मिलता नहीं है, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए दीदी। कौन बोला ये? कविता बोल रही थी। दो सीटी आ गई। दो सीटी में दाल पक गई होगी। पक गई, लेकिन कविता ने भी खैर बहुत मेरी, कविता ने भी किया। हाँ कविता ने किया। ऐसा क्यों बोले देवता जैसा मिला है? मतलब करते थे ना, यहाँ आते थे मेरे लिए खाना बना, पहले दिन तुम खाना बना के ले जाओ ना मेरे लिए। हाँ। वो देखी थी इसके लिए, फिर अगले दिन से तो वही बनाने लगी थी खुद ही करती। मेरे को ना देख कर रोना जैसा आ गया कि दादा देखो अकेला सब कर रहा है, तो फिर वो अभी फिर अगले दिन से खुद ही बनाने लगी खाना वाना सब। नहीं कविता ने भी बहुत किया है, पूरा घर ऐसा संभाला है ना कि मतलब कोई अपना आदमी आके भी नहीं संभालेगा उतना। वो ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो बहुत करेगा, बोलेगा चलो खाना बना लो भाई दे दो, हो गया। कविता ने पूरा घर का झाड़ू पोछा ए टू जेड, देखो पूरा घर नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरा। और हम लोग चाबी दे के जाते थे, तो ये भी नहीं कि हमको यहाँ रुकना है, हम देखें क्या करना कुछ अपने को, वो अपना पूरा घर के जैसा काम। और खाना भी पूरा बना के टिफिन पैक करके फोन करती थी, दादा बन गया लेके जाओ। अब लक्की खेलना ऐसे नहीं खेलते थे, उनका होश नहीं था इनका, ये कहाँ पड़े हैं। ये आते थे ना गाड़ी से तो वहीं गेट पे उतर के बाहर भागते थे। हाँ इनका होश नहीं था, ये मजबूरी में घर आते थे। नहा धो के हाँ